गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं क्लास 1, 2 और 3 के बच्चों के लिए लेकर मैं आई हूँ संज्ञा। तो बच्चों, आप लोग को मैंने पिछली कक्षा में बताए थे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा क्या? संज्ञा किसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा इंग्लिश में से कहते हैं नाउन, और उसी को हम आज आप लोगों को दिए हैं। जैसे आप लोग बच्चों बताए थे कि संज्ञा कितने भेद, तो संज्ञा 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ध्रुववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, कुछ आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक से संबंधित कुछ शब्द दिए हैं जिसे आप लोग को छाट कर भेजना है। क्या करना है? छाट कर भेजना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो बच्चों देखिए, हम आप लोग को बता भी दे रहे हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के, वस्तु या जानवर के खास नाम को हम संज्ञा कहते, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी जाति भर का बोध होता है, किसी वस्तु के जाति भर का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, लड़का, तो सीता क्या हुआ? किसी व्यक्ति का नाम है। और लड़का क्या? उसका जाति का बोध करा रहा है, लड़की उसकी जाति का बोध करा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लड़का जो है वो जातिवाचक में आ जाएगा और सीता जो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, अपना एक पेन कॉपी ले लीजिएगा बच्चों, उसमें 2 कॉलम बनाना, एक जातिवाचक संज्ञा का, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का। और दोनों में से शब्द जो इतने सारे हम लिखाए हैं, ये शब्दों में से आपको उस कॉलम में छाट कर लिखना है कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो आप लोग इसे बना के भेजिए। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको केवल बनाने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाई हूँ। तो बच्चों देखिए, मैं आप लोग को एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं बता भी दे रही हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। जैसे बच्चों देखिए, मैंने अभी आप लोग को बताया कि व्यक्तिवाचक, जैसे हो गया मोहन, पटना, तो किसी जगह का नाम है, गंगा, तो ये हमारा किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक में। जैसे मान के चलिए नदी, तो नदी से हमें इसका नदी का बोध हो रहा, जाति का बोध हो रहा है। जैसे हो गया कुत्ता, ये जाति का बोध हो रहा है। हो गया आपका कुर्सी, तो ये आपका क्या है? कुर्सी, तो ये हमारे सब इस तरह का शब्द क्या आएगा? ये हमारा व्यक्तियों का जो नाम रहेगा, हमारा व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्ति, जगह, स्थानों का नाम जो रहेगा, कीट पतंग, ये सब किसमें आता है? व्यक्तिवाचक में आएगा। और जो जाति भर का बोध कराता है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इस प्रकार से आप लोग को बनाकर, इसी प्रकार से 2 कॉलम बनाना है, जो शब्द अभी हम लिखे थे उसको दोनों कॉलम में छाट कर लिखना है कि कौन सा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सा जातिवाचक संज्ञा है।